Today's inspiration. Regrets of yesterday and worries about tomorrow are the two thieves that rob today of its beauty. बीते हुए कल पर अफसोस करना और आने वाले कल पर चिंता करना दो ऐसे चोर हैं ये जो हमारी आज की सुंदरता को चुरा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल भोला फिटनेस। जो वीडियो है वो डायबिटीज के मरीजों के बारे में है कि उन्हें कौन सा फल खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के मरीजों को अधिकतर फलों का सेवन करने के लिए मना कर दिया जाता है और ज्यादातर सभी चीजें अगर वो बंद कर देंगे तो उनको उनके शरीर के लिए पोषक तत्व कैसे मिल पाएंगे, इसी बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आंवला, आंवला एक एंटी डायबिटिक फल है। यह हमारे ब्लड को सुधार करता है और उसके साथ ही मेटाबॉलिज्म में भी सुधार लाता है। है तो ये खट्टा फल, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। ऐसे मरीजों को आंवला का सेवन जरूर से जरूर करना चाहिए, जो उनके लिए बहुत फायदेमंद। इंसुलिन सेंसिटिविटी को ठीक करने और डायबिटिक से निपटने के लिए मालाबार प्लम यानी कि भारतीय ब्लैकबेरी जिसे जामुन कहते हैं, ये फल भी डायबिटिक रोगियों को जरूर से जरूर सेवन करना चाहिए। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। घुलनशील और अघुलनशील फाइबर से भरपूर सेब, ये भी डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप रोजाना एक सेब का सेवन करते हैं तो डॉक्टर की तकलीफों से आप दूर रहते हैं, यानी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। तो आपको भी रोजाना एक सेब का सेवन करना चाहिए जो डायबिटिक पेशेंट है, और जो नहीं है वो भी इसे खा। स्वादिष्ट, मीठा और रसदार से भरपूर आड़ू, जी हाँ, आप आड़ू फल का भी सेवन जरूर कर सकते हैं जो डायबिटीज के मरीज हैं। बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं इस फल को डायबिटीज के रोगी भी अपना सकते हैं, लेकिन मैंने जो भी चीजें आपको इस वीडियो में बताई है आप चाहे तो अपने डॉक्टर की सलाह से भी देख सकते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। वैसे ये सारे बातें मैंने डायबिटिक रोगियों के लिए बारे में बताया कि उन्हें क्या क्या सेवन करना चाहिए। मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।